हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VLSM, दैट इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, या इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी जरूरत क्या है। वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का मतलब है कि हमने सबनेटिंग करनी है, लार्ज नेटवर्क को हमने स्मॉल नेटवर्क्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक सबनेट को थोड़ा बड़ा बना दूं, एक सबनेट को मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा छोटा, मतलब अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट क्या मैं डिफरेंट साइज के सबनेट बना सकता हूं। ये एक्चुअल में मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यस, हम यूज करते हैं किसको, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को। तो जनरली होता क्या, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नॉर्मल सबनेटिंग के बारे में, जिसमें हमने एक नेटवर्क को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर हम अपने सिस्टम में भी बात करें तो हमारे पास लेट्स से 1 TB की हार्ड ड्राइव है। क्या ऐसा जरूरी है कि 4 ड्राइव ही बनानी है और चारों का साइज 250 GB होना चाहिए? नहीं, मैं एक ड्राइव को 500 GB रख सकता हूं, एक को कम रख सकता हूं। तो ये होती है एक्चुअल में फ्लेक्सिबिलिटी। तो विंडोज हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट साइज की ड्राइव्स बना सकते हो। वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। क्या हमारा नेटवर्क हमें अलाउ करता है कि हम अलग अलग साइज के सबनेट बना सकें? यस। तो लास्ट वीडियो एक आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ सबनेटिंग जो है वो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल क्लियर समझ आएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक डिस्कस किया है और 70-80% काम जो है वो सेम ही है, लेकिन जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में लिया था, वही हम यहां पे ले रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में हमारा जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरे को नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी ज्यादा लगेंगे। और लेट्स से कि उसमें मेरे को नंबर ऑफ जो सबनेट चाहिए, नंबर ऑफ बेसिकली यूजर जो चाहिए वो ज्यादा है, और बाकी के दो को मैंने क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तो डिवाइड किया, लेकिन वो जो छोटे नेटवर्क मैंने बनाए सबनेट, उनका साइज अलग अलग मैंने कर दिया। तो यही काम हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्लास सी का एड्रेस है 200.10.20.0, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम सबनेटिंग करते हैं, सिर्फ होस्ट की बिट को ही आपको यूज करना है, नेटवर्क की जो बिट्स है, नेटवर्क की जो आईडी बिट्स है, उनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अदरवाइज आपने जाना होगा दिल्ली, पहुंच जाओगे बॉम्बे, ये वाला काम है, क्योंकि आपने नेटवर्क ही चेंज कर दिया। हमने जाना इस नेटवर्क में। ये हमारा क्लास सी का एक नेटवर्क हमने लिया हुआ है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है, इसका नेटवर्क है। अब लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो डिमांड है वो क्या है कि मेरे को क्लास सी में कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। क्लास सी का ये एड्रेस है, कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, 256, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। अब 256 का मतलब क्या है, 0 से 255। अब 0 से 255 में हम 0 वाला किसी होस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि ये इस नेटवर्क की आईडी है। 255 वाला नहीं देंगे बिकॉज ये इस नेटवर्क का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो यानी यूजेबल कितने हुए, 254, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एक जो डिपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ यूजर जो है वो 100 से ज्यादा है, मतलब मेरे को जो एक सबनेट बनाना है उसमें कम से कम 100 जो है वो आईपी एड्रेस होने चाहिए, मतलब 100 होस्ट मैं क्रिएट कर सकूं, और बाकी के जो दो डिपार्टमेंट है उनमें 50-50 से ज्यादा जो है वो होने चाहिए। तो हम इस तरीके से अब सबनेट करेंगे कि एक जो सबनेट है उसमें 100 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट अगर है तो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूं, और बाकी दो में 50-50 की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको फिल कर सकता हूं। तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं, लेट्स से 200.10.20.0, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि नेटवर्क की बिट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, सिर्फ होस्ट की बिट को ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने 8 जो बिट्स हैं इसकी, जो भी फिलहाल 00 है क्योंकि नेटवर्क की आईडी है, उसको मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। अब हमने करना क्या है, मैंने पहली बिट को क्या कर दिया, रिजर्व कर लिया, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको मैंने रिजर्व कर दिया। रिजर्व करने का मतलब है मैंने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, क्या, 0, इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसकी वैल्यू क्या कर दी, 0। जैसे ही मैंने एक बिट को फिक्स किया, अब ये कितना था, पूरे इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट है, 256, जिसमें से 254 यूजेबल है। तो हमने इसको किया कि एक्चुअल में हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैंने 0 ली तो ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड। अब जैसे ही ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये इक्वल, इसको थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि
इक्वल नहीं हुआ, लेट्स से अब ठीक है दो इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब दो इक्वल पार्ट्स में ये वाला पार्ट हमारे पास अलग हो गया, अब ये नाम दे दिया इसको S1 और एक बन गया मेरा S2। अब S2 मैंने यहां पे नहीं बनाना, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था S2 हम बना सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मुझे S2 नहीं बनाना। मैंने क्या किया, जो मेरे पास नेक्स्ट था क्या बचा, 200.10.20. फर्स्ट बिट क्या है आपकी यहां पे 0, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगी 1, यहां पे क्या होगी 1, फिक्स है ये वाली 1 जो है वो क्या है फिक्स है, क्योंकि यहां पे 0 है तो यहां पे बचे हुए में क्या होगा ऑब्वियसली 1 होगा। लेकिन अब हमने करना क्या है, हमने इसको भी फर्दर डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, क्योंकि इसमें तो मैंने एक फिक्स कर दिया, अब इसको जैसे ही टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, इस वाले सबनेट को हाफ को टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, एक और बिट को रिजर्व कर लेंगे। मतलब ये 1 तो ऑलरेडी मेरा फिक्स है, मैंने 0 क्या कर दी यहां पे फिक्स कर दी, जैसे ही मैंने ये 0 यहां पे फिक्स की, मतलब ये वाली बिट फिक्स की, इसको हमने क्या किया लॉजिकली, मतलब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या, 1 और 0 यहां पे फिक्स हो गई, अब नीचे वाले पार्ट में भी हम लिख देते हैं 200.10.20.1 2 3 4 5 6 7 8, सेम वही पोजीशन है। पहली बिट तो ऑब्वियसली मेरी क्या है 1 जो ऊपर से आ रही है फिक्स, लेकिन यहां पे मैंने 0 फिक्स कर दी तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा नेक्स्ट बिट 1, ये वाला 1 पहले वाला कहां से आया, वो तो ऑब्वियसली मैंने पहली बिट 0 की तो यहां पे 1 बचा। अब इस पूरे हाफ हेमिस्फीयर को हमने फिर हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, सेकंड बिट जो है वो सेकंड एमएसबी हमने फिक्स कर दी, इसमें 0 कर दी, इसमें ऑब्वियसली क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो यानी मैंने इसको S1 S2 S3 तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, और देखो तीनों का साइज क्या है अलग। अब बस आपको रेंज, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, रेंज हम यहां पे लिख देते हैं, रेंज क्या बनेगी, पहली बिट क्या होगी 0 0 0 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, करते करते लास्ट क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1, सिंपल। और ये 0 जो है वो मेरी ऊपर से क्या आ रही है फिक्स ही आ रही है, सिंपल। अब इसको जो जैसे ही हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 200.10.20.0 ये वाला, 200.10.20. ये 0 फॉलोड बाय 7 वंस, इसको ओवरऑल कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 127। तो यानी जो सबनेट 1 है इसमें 0 से 127 हमारी रेंज आ गई, लेकिन यूजेबल कितने होंगे, यूजेबल सेम वही फंड है, 0 वाला इस सबनेट की आईडी, 127 वाला इस सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी यूजेबल कितने हुए 126। आप 2 कम कर दो, मतलब टोटल 128 है, उसमें से 2 कम किए कितने हो गए 126। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी कि 100 से ऊपर चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को 100 से ऊपर यहां पे मिल गए। अब आते हैं हम यहां पे, इसकी रेंज पूरी कर दो 0 0 0 0 0 0, नेक्स्ट क्या होगा 0 0 0 0 0 0, ये 1 और 0 तो फिक्स आ रहा है ऊपर से, लास्ट क्या होगा 1 0 मेरा फिक्स है 1 1 1 1 1 1, ये मेरे पास जो है वो लास्ट आएगा 10 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6, यस। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, तो क्या बनेगा 200.10.20.128, 1 फॉलोड बाय 70 क्या होगा 128, 200.10.20.10 फॉलोड बाय 61 ये क्या बनेगा आपका 191। मतलब ये आपकी रेंज आ गई सबनेट 2 की, ये सबनेट 2 की आपकी रेंज आ गई, तो सबनेट 2 में 128 से 191, यानी कितने मेरे पास यहां पे होस्ट आ गए, कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है सबनेट 2 में, ये आ गए आपके 64, सिंपल 64, 128 यहां थे, 128 यहां, उसको भी मैंने हाफ ऑफ कर दिया तो 64, लेकिन अगेन इस सबनेट का सबनेट आईडी क्या होगी 128 पहली, और लास्ट क्या होता है 191, लास्ट क्या होगा इस सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो यानी कितनी यूजेबल बनेंगे 62, इसमें 126। सेम हम S3 में कर रहे हैं 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1, करते करते लास्ट क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। बस आपको रेंज पूरी करनी है, पहली दो बिट जो फिक्स है उनको फिक्स रहने दो, तो यहां पे 200.10.20.11 फॉलोड बाय 60 क्या होता है 192 से लेके 200.10.20.
ऑल वंस क्या होते हैं 255, तो 192 से 255 किसकी रेंज बन गई, S3 की रेंज बन गई। तो कितने इसमें कितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस हैं, टोटल आईपी एड्रेसेस पॉसिबल तो 64 है, लेकिन उनमें से यूजेबल कितने हैं, सेम भाई ये 192 वाला इस सबनेट का क्या होगा, एड्रेस होगा, जो नेटवर्क आईडी होगी सबनेट की, और 255 वाला इस सबनेट का क्या होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यूजेबल यहां पे भी कितने हुए आपके 62। तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो यहां पे, बेसिकली जितने सबनेट आप बना रहे हो उतने सबनेट से आपको क्या करना है, माइनस 2 करना है। तो यहां पे टोटल मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल थे, 256, लेकिन उसमें से अब यूजेबल कितने होंगे, दो यहां पे कम हो गए, दो यहां पे कम हो गए, दो यहां पे कम हो गए, कितने कम हो गए, 6 कम हो गए। तो यानी यूजेबल कितने हैं, 250। आपको इस तरीके का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। तो सिंपल, n नंबर ऑफ टाइम्स आप जितने भी आप बना रहे हो सबनेट, जितने भी आप सबनेट बना रहे हो, यहां पे कितने बना रहे हो, 3 सबनेट यहां पे बनाए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको उसको मल्टीप्लाई करके और माइनस 2 आप यहां पे कर सकते हो। मतलब 3 सबनेट बनाए तो 3 को क्या करो आप, हर एक में कितने होंगे, दो दो आपके वेस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली 2n आप सिंपली यहां पे कर सकते हो और उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। और n क्या है, नंबर ऑफ सबनेट। एक तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है, दूसरा यहां पे आपसे क्या पूछ सकते हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, क्या थी पहली रिक्वायरमेंट, कि एक नेटवर्क एक सबनेट में 100 से ज्यादा हो, ये पूरी कर दी हमने। दूसरे सबनेट में 50 से ज्यादा हो, ये पूरी कर दी हमने। तीसरे में 50 से ज्यादा हो, ये पूरी कर दी हमने। तो इस तरीके से हम वेरिएबल सबनेट मास्किंग इसको यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट यहां पे क्या है, कि जो इसका सबनेट मास्क होगा, सबनेट मास्क का फंडा क्या है, कि हमें पता कैसे लगेगा कि सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 से। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक राउटर लगा दिया, वो राउटर अब डिसाइड करेगा, लेकिन डिसाइड करने के लिए उसको क्या चाहिए, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क हम कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस वंस कितने हैं, डिफॉल्ट मास्क क्लास 3 में कितना होता है, क्लास सी में 255.255.255.0, मतलब 24 कॉन्टिन्यूस वंस। अब 24 कॉन्टिन्यूस वंस तो डिफॉल्ट मास्क है क्लास सी का, लेकिन S1 जो सबनेट बनाया, इसमें नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस वंस कितने होंगे, मतलब कितनी बिट फिक्स्ड है, 24 बिट तो पहले ही फिक्स है, एक हमने और कर दी, तो कितनी बिट फिक्स हो गई, 25 बिट्स हमने फिक्स कर दी। यानी इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.255.128। और S2 और S3 का क्या बनेगा, कितनी बिट फिक्स की, दो दो बिट हमने फिक्स की, 24 पहले ही फिक्स है, दो और कर दी, मतलब 26 बिट हमने फिक्स कर दी। तो 26 वन को हम कैसे लिख सकते हैं, 255.255.255.24 हो गए, दो और है, मतलब 11 फॉलोड बाय 60 क्या होता है, 192। 11 मतलब दो बिट फिक्स की ना, तो 24 बिट तो पहले ही फिक्स है, 11 और हो गया, फॉलोड बाय 60 जो हमने होस्ट के लिए यूज किए हैं, 6 की बिट, इसमें भी 6 बिट और इसमें भी 6 बिट हमने लास्ट की होस्ट के लिए यूज किए हैं। तो 192 इसका सबनेट हो गया, और 192 ही इसका सबनेट होगा, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा आपका, 128। तो इस तरीके से जो है हम VLSM को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप दो बिट फिक्स करके S1 S2 को पहले कर दो और इसको आप बाद में कर दो, मतलब ये वाला फंडा, कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स ही है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब S1 S2 और S3। मैंने S1 बड़ा बनाया, S2 S3 को छोटा छोटा बनाया, आप S1 और S2 को पहले कर दो, S3 को बाद में कर दो। और एक चीज आप और कर सकते हो, इस तरीके से कन्वर्ट करके जो रेंज बनेगी, रेंज आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। VLSM जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें स्टूडेंट जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो के बाद नहीं, मेरे को लगता कोई कंफ्यूजन यहां पे बची है। तो आप इनकेस अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा चेक करें, आपको बिल्कुल क्लैरिटी यहां पे मिलेगी। Thank you.